एग्जाम खत्म हो गया है और मेरा बचा है अभी दो। तो भाई मेरा बताएगा एग्जाम के बारे में, वो बता दो भाई एग्जाम क्या है। एग्जाम का देखो, एग्जाम का टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम इज जस्ट ए माइंड गेम। एवरी एग्जाम इज जस्ट हाँ, माइंड। और दूसरी बात है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको लगता है कि हम पढ़ते जाएं, एग्जाम आ गया है तो उसमें क्या होता है, मतलब कि लगता है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा एग्जाम में कर सकेंगे, लेकिन यही आदमी चूक कर जाते तो भाई भी हैं। आपको माइंड तो सेट अप की उनको जरूरत होती मैं है। एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हाँ हूँ, कहानी ये कहानी दो शकरारों की कहानी है हाँ जिसे मैं अब प्रेजेंट करना है दुनिया के सामने। तो मुझे लगता है कि आम स्टूडेंटों को ये कहानी से जो लकड़हारा की कहानी थी वो भाई फिर से शुरू करेगा। शुरू करो भाई। क्या है कि पिछला वीडियो में स्टोरेज फुल हो गया था भाई हाँ का, वो समस्या ही है ना कि कल जो है बहुत फोटो हाँ खिंचवाया गया है कॉमन हॉल के सामने श्री एक भास्कर हम चटर्जी सर जी के हाँ साथ। वो पूर्व रिटायर्ड आईएएस हैं, इस प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में हाँ, तो रह रहे मैं कह हैं। रहा था हाँ बताइए। कि आजकल इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को दो लकड़हारों की कहानी जाननी चाहिए। जो कि हम आम तो जनमानस के लिए किस्सा बहुत किस्सा ला ये है कि दो लकड़हारे थे, तो दोनों में मतलब जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे, तो दोनों में होड़ लगी कि कौन एक दिन में ज़्यादा लकड़ी काटेगा। तो हुआ क्या कि पहला लकड़हारा जो था पूरा दिन बिना थके बिना रुके लकड़ी काटते रहा, कुल्हाड़ी चलाते रहा, लकड़ियों का पूरा ढेर लगा दिया। और वहीं दूसरा जो लकड़हारा की कहानी थी वो भाई फिर से शुरू करेगा। शुरू करो भाई। क्या है कि पिछला वीडियो में स्टोरेज फुल हो गया था भाई हाँ का, वो समस्या ही है ना कि कल जो है बहुत फोटो हाँ खिंचवाया गया है कॉमन हॉल के सामने श्री एक भास्कर हम चटर्जी सर जी के हाँ साथ। वो पूर्व रिटायर्ड आईएएस हैं, इस प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में हाँ, तो रह रहे मैं हैं। कह रहा था हाँ बताइए। कि आजकल इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को दो लकड़हारों की कहानी जाननी चाहिए। जो कि हम आम तो जनमानस के किस्सा लिए बहुत किस्सा ला ये है कि दो लकड़हारे थे, तो दोनों में मतलब जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे, तो दोनों में होड़ लगी कि कौन एक दिन में ज़्यादा लकड़ी काटेगा। तो हुआ क्या कि पहला लकड़हारा जो था पूरा दिन बिना थके बिना रुके लकड़ी काटते रहा, कुल्हाड़ी चलाते रहा, लकड़ियों का पूरा ढेर लगा दिया। और वहीं दूसरा लकड़हारा क्या करता था, 2-3 घंटे लकड़ी काटता था, फिर 10-15 मिनट बैठ करके आराम भी कर लेता था और कुल्हाड़ी में धार भी लगा लेता था। तो ऐसे ही कर करके वो लकड़ी काटते रहा। ज्यादा लकड़ी काट दिया होगा तो तुमने दिन भर उसने। में वे काटते रहे दिन भर लकड़ी। तो जब लकड़ी का माप तोल किया गया कौन ज़्यादा लकड़ी काटा, तो निकला दूसरा लकड़हारा ज़्यादा लकड़ी चकादी से तो पहले निकलना चाहिए। काटा। चकादी किसको निकलना चाहिए? पहले लकड़हारे को, क्योंकि उसने बिना रुके नहीं, काटा है। उसका कहीं सीएस तो नहीं था। नहीं, हाँ तो ठीक है भाई। बात है कि एक स्ट्रेटजी होती है, हाँ ठीक है। जैसे जिस स्ट्रेटजी के तहत हम लोग पढ़ाई किए उसी स्ट्रेटजी के तहत तुम लोगों को भी पढ़ाई करनी चाहिए। तुम लोग अच्छा एक दिन में बैठ करके सब चीज़ नहीं पढ़ सकते, तुम लोगों को धार लगाने की ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करते जाओ। तो देखिए कहानी से यह तात्पर्य निकलता है कि आपको एग्जाम देने जाने से पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा पेन ले जाना है, अच्छा स्केल ले जाना है, अच्छा रबर ले जाना है, अच्छा ताकि कटर आप ले। कॉपी आप में धार अपने लगा हाँ अपने सके। औजार को आप टाइट करिए, पढ़ाई लिखाई फोकस मत करिए। आप एग्जाम में फिर अच्छा ज्यादा लकड़ी काट के आएंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा ना वो आपको लकड़ा बन जाइए। और जो रिजल्ट आएगा वो आपका जीवन को आपको लकड़हारे की तरफ लेके जाएगा। दूसरा और लकड़हारे जो की तरफ रिजल्ट मिलेगा उससे घर वाले इतने खुश होंगे, अचंभित होंगे, क्योंकि वैसा रिजल्ट बहुत कम लोगों का आएगा। क्योंकि आप 70 नंबर के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर 5 नंबर लाएंगे, ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ कम होती हैं। और यही सब सारी चीज़ें हैं भाई। है अपना क्लीन शेव कर लिया है मुझे देखकर, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिलेट गार्ड से शेव किए हैं, जच रहे तो आज मेरा जो हैं। भी बोलने का मन हो रहा है वो बोल रहा हूँ, जच रहे हो। आगे का नहीं बोलेंगे, नहीं दिक्कत हो जाएगा। चढ़ी वाले बोल बात पहुँचने के। हाँ तो ठीक है। तो हमारे घर वाले भी ब्लॉग देखते हैं और इनके घर वाले भी देखते हैं और हम और आप सब लोग भी देखते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग फोन कर रहे थे कि कुछ आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। तो हम लोग सोचे कि हाँ वैल्यूएबल आदित्य। और आप लोग को पता है कि अभी हाल ही में मुझे एक प्रोडक्शन कंपनी ने ज्वाइन किया है जिसका नाम है अंजीत केसरी प्रोडक्शन हाउस।
तो सारी चीजें हो रही हैं, अपने वेग से चल रही हैं, और आप लोग का प्यार है जो हम लोग को बराबर मिल रहा है, इसी से हम लोग देखिए अभी मेरा एग्जाम होने वाला है एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान या मानव विज्ञान। ये यूपी पेट के एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आया था, और आपको पता है कि एक नंबर का कीमत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितना ज्यादा होता है, 10 लाख बच्चों से आप आगे जा सकते हैं सिर्फ एक नंबर से। एक नंबर के लिए याद करिए कि एंथ्रोपोलॉजी होता है, वही पहला नंबर भाई आया था, तो आज भाई छात्रावास में भाई रेस में फर्स्ट स्थान प्राप्त किए थे, तभी तो छात्रावास में यहाँ सांस ले। अगर मान लीजिए मेरा एंट्रेंस में एक नंबर कम हो जाता तो आज मैं किसी अटरा कटरा छोटा बगाड़ा की नदियों में घूम रहा होता। अच्छा वो एंट्रेंस, हाँ हाँ अच्छा। मैं वो नहीं दौड़ की बात कर रहा हूँ, वो तो आपके साथ भी हुआ होगा, उस पर चर्चाएं नहीं करी जाएंगी क्योंकि एक सामाजिक विषय पे चर्चा हो रही है, बायोलॉजी का हो जाएगा। तो अभी जैसे ज्योग्राफी का पेपर था, अब उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का आएगा, अभी इनका सीएस का खत्म हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, कंप्यूटर साइंस, सांगणिक विज्ञान, सांगणिक विज्ञान बोलते हैं, संगणक विज्ञान। आपने पता ही होगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म इनको नहीं पता है, कमेंडी ऑपरेटर प्रो COM, बाकी नहीं बताएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार वार बरसाते रहिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर करिए। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इवरी एग्जाम इज जस्ट अ माइंड गेम, तो आप एग्जाम में कैसे जाना है आप ये जान गए होंगे, एग्जाम कैसे देना आप ये भी जान गए होंगे, और जीवन में कैसे चलना है ये भी जान जाइए। जीवन का सबसे कीमती चीज यही होता है। हाँ देखिए क्या गा रहे हैं, सुन रहे देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यही से वीडियो को हम लोग बंद करते हैं, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, जहाँ रहिए समृद्ध और संपन्न रहिए। बाय बाय।